हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत तादाद के अंदर प्रोफेसर अपनी मांग को लेकर 21 तारीख से लेकर आज 26 तारीख हो गई है और हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। उनको समर्थन देने के लिए हमारे बीच में हैं ए एम खान साहब हमारे बीच में आए, हमसे जानकारी लेते हैं। सर, ये जो प्रोफेसर हैं, इनकी क्या मांग है, इनको आप क्यों समर्थन देने आए? देखिए, ये देश चलता है संविधान से जी, और संवैधानिक बाध्यता है कि एससी एसटी ओबीसी को जो रिजर्वेशन प्राप्त हैं उनके तहत उनका जो हक बनता है वो दिया जाए। हक तो उनको दिया जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ फेरबदल अभी माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है। जो डीओपीटी का रूल है, 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम चल रहा था जिसमें सारे लोग नियुक्त होकर अपने अपने पद को, अपने अपने हक को पाते, अब उनको बदल के डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर को बनाया जा रहा है, कॉलेज को और विश्वविद्यालयों को यूनिट मान के बनाया जा रहा है। अगर इस तरह से हुआ तो जो लोग नियुक्त हुए थे वो उनके पद पर जाकर के खतरा बनेगा, उनको बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने से इसमें आरक्षित और अनारक्षित दोनों ही पदों की जो है विश्लेषणात्मक अगर ढंग से देखें तो उसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। हम लोग इसीलिए लगे हैं कि जो जहां जिस पद पर 200 पॉइंट रोस्टर के अंदर काम कर रहे हैं वो वहीं काम करते रहें, उनको ना छेड़ा जाए, इसीलिए हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। खान साहब, आपने संविधान की बात कही कि भारत संविधान से चलता है और सरकारी संविधान के तहत चलती है, लेकिन अनंत कुमार हेगड़े जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कहते हैं कि हम तो संविधान को चेंज करने आए हैं। देखिए, ये बड़े ही दुख की बात है, जिस संविधान को हमारे पूर्वजों ने, बाबा साहब अंबेडकर जैसे लोगों ने जिस संविधान को रचा लिखा और वो कुछ सोच समझ के इन सब बातों को आकलन किया था और उसके अंदर दर्ज हैं चीज़ें, वही रहनी चाहिए। उसमें छेड़छाड़ करना यह अत्यंत ही दुख की बात है और अशोभनीय है, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया करके इस तरह की चीज़ें देश में ना फैलाएं, देश में शांति रहने दें, और ऐसा करने से सभी लोग दुखी होते हैं, हम लोग भी दुखी होते हैं, इसलिए जैसा है संविधान वैसा रहने दें। सर, एक घाव जब तक भरता नहीं है, अनंत कुमार हेगड़े जी ने ये बोला, फिर उसके बाद में और मंत्रियों ने टिप्पणी कसी। अब 20 तारीख को एक जजमेंट आया है, एट्रोसिटी का जो मैटर आया है उसको बिल्कुल ही पूरे भारत के जो बहुजन के लोग हैं उन्हें झकझोर के रख दिया है। देखिए, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, और हम लोग भी इस चीज़ पे सोच रहे हैं, जो जजमेंट आया है उसके तहत ये जो सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है कि एट्रोसिटी एक्ट में तुरंत आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, इनको भी हटाना ये एक अच्छी मुहिम नहीं है। मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूँ, एक भारत के नागरिक होने के नाते मैं पुनः आग्रह करूँगा उनसे, माननीय न्यायालय से, इस चीज़ को देखें कि एट्रोसिटीज का कोई भी संविधान नहीं है, एट्रोसिटीज का कोई भी मंतव्य नहीं है, गंतव्य नहीं है, वो कहीं भी हो रहा है। अगर गिरफ्तार आप नहीं तुरंत करेंगे तो फिर न्याय कैसे मिलेगा, इसलिए उसको जैसा है वैसा ही रहने दे। लेकिन सर, वो सर्वोच्च न्यायालय के चार जजेज ने पहले ही 2 महीने पहले बोल दिया था कि लोकतंत्र खतरे में है। जी बिल्कुल सही है, लोकतंत्र इसलिए खतरे में है, जो हम लोग एक शिक्षक समुदाय से हैं, रोज हम लोग यही पढ़ते और पढ़ाते हैं, इन्हीं चीज़ों का अध्ययन ही करते हैं, यही काम ही हम लोग का। लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ संविधान से छेड़छाड़ हो रही है, हर दिन आए दिन मंत्री और उसके नुमाइंदे, पार्टी के लोग, कई पार्टी के लोग, उसमें एक केवल भाजपा को ही नहीं कहूंगा, वो बयानबाजी इस तरह से करते हैं, इस तरह से लड़ा रहे हैं लोगों को, उस लड़ने से ही हम लोग आपस में खतरे में हैं, जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए संविधान तो जरूर खतरे में है। आपने बताया कि संविधान खतरे में है और आपस में लड़ाया जा रहा है, और एक तरफ सर जो एक साहित्यकार हुए लेनिन साहब और रामास्वामी नायकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बड़े पैमाने पे उनकी स्टेचुआं तोड़ी जा रही हैं, जो एक निर्जीव है वो एक खड़ी अपनी जगह और उनको अपमानित किया जा रहा है। अत्यंत दुखद, बहुत ही दुख की बात है। आज इस देश में प्रतिमा लगाने का,
किसी भी के गुण के आधार पर, पॉपुलैरिटी के आधार पर, उनकी सोच के आधार पर, उनके आइडियोलॉजी के आधार पर हम प्रतिमा लगाते हैं। और सबको अधिकार है कि हम लेनिन को माने या हम रविंद्रनाथ टैगोर को माने या जवाहरलाल नेहरू को माने, किसके प्रति क्या श्रद्धा है, ये हमारा संवैधानिक मूल अधिकार है, वो मेरे से नहीं छीनना चाहिए। अगर कहीं मूर्ति मैंने लगाई है तो उसको तोड़ना बहुत ही दुखद है और निखद बात है, ये चाहे कोई कर रहा हो उस पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आरएसएस के मोहन भागवत ये कहते हैं कि जो फोर्स है मैं 3 दिन के अंदर फोर्स खड़ी कर दूंगा, और जो हमारे जो देश की फोर्स है उन पर उनका विश्वास हट गया है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। देखिए भारत के फोर्स को, भारत के जवानों को इस तरह से पैदा करने के लिए काफ़ी समय लगा, इस तरह से तैयार करने में काफ़ी समय लगा हुआ है। आपको पता है आज़ादी के समय में कुछ ही लोग थे जो फौज में थे, आज़ादी के बाद जब अंग्रेज चले गए, बताइए इतना बड़ा हमारा वो है, बॉर्डर है, इधर से कश्मीर से लेके पाकिस्तान से बांग्लादेश तक हजारों किलोमीटर के बॉर्डर को संभालना, ये कितनी बड़ी जद्दोजहद की बात होगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ, हम लोग तो पैदा ही हुए 60 के दशक में, और कितनी उस समय के लोगों को मुश्किलात हालात करने पड़े होंगे इनको तैयार करने में, फौज को। आजकल देखिए हमारा सबसे दुनिया में अव्वल फौज है, उस फौज को तैयार करने कितनी शक्तियां लगी होगी। मोहन भागवत जी का कथन अगर इस सोच से है तो मैं तो उसको नकारता हूँ। ऐसी सोच किसी भी समुदाय को, संप्रदाय को, जात को, पार्टी को नहीं रखनी चाहिए। भारत की फौज को हमें विनम्र उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि और आगे बढ़ें, और ऐसा फौज कहीं नहीं है। ये कहना अनुचित है कि हम 2 दिन 2 महीना 2 और कुछ घंटों में ये तैयार कर लेंगे, ये बिल्कुल निहायत गलत है। हम ऐसी कड़े शब्दों में भर्सना करता हूँ। धन्यवाद सर।